न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने की कगार पर है हार्दिक पांड्या एंड कंपनी। सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले कप्तान हार्दिक पांड्या ने तैयार कर लिया है एक अचूक मास्टर प्लान, जिसके चलते भारत की एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार हो चुकी है जहां पर एक युवा टीम करेगी न्यूजीलैंड में फतेह और हार्दिक की कप्तानी में एक और सीरीज जीतेगा भारत। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं तीसरे और आखिरी मुकाबले के लिए क्या होगी टीम की प्लेइंग 11, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन में होगा कुछ बदलाव, या फिर एक बार फिर संजू सैमसन और उमरान मलिक जैसे नामों को करना होगा अपने मौके का इंतजार। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया में एक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। नए कप्तान हार्दिक पांड्या एक नए जोश के साथ युवा टीम का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं और न्यूजीलैंड के घर में जाकर यंगिस्तान ने धावा बोला है। दूसरे T20 में जिस एक तरफा अंदाज में भारत ने कीवियों का सुपड़ा साफ किया वो देखते ही बनता था। बल्ले से सूर्य कुमार यादव का आतंक और फिर गेंदबाजों का एक यूनिट की तरह परफॉर्म करना, ये न्यू इरा में टीम इंडिया की नई ताकत का सबूत देता है। जहां वर्ल्ड कप में टीम ने चहल को एक मुकाबला नहीं दिया, उसने न्यूजीलैंड के धागे खोल कर रख दिए। खुद हार्दिक पांड्या ने एक लीडर की झलक दिखाई और हुड्डा को गेंद से इस्तेमाल करने का उनका भरोसा भी बढ़ा दिया। हालांकि असली इम्तिहान की घड़ी बाकी है। हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में आयरलैंड के बाद अब न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में सीरीज हराने की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन उसके लिए मंगलवार को नेपियर में होने वाले तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को अपने कॉम्बिनेशन पर फिर से सोच विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। पिछले मुकाबले में बेशक भारत को जीत मिल गई, लेकिन सूर्य कुमार यादव को छोड़कर किसी का भी बल्ला उस तरह से नहीं चला। वहीं पर युवा उमरान मलिक को लेकर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन अब तक टीम मैनेजमेंट की तरफ से उमरान को प्लेइंग 11 में जगह देने की पहल नहीं की गई है। पर शायद अब नेपियर में चीजें बदल सकती हैं और जीत के बावजूद हमें प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तीसरे मुकाबले की प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग में एक बार फिर से ऋषभ पंत और ईशान किशन को मौका मिलना तय लग रहा है। बेशक ये दोनों ही बल्लेबाज पहले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन एक मुकाबले के बिना पर शायद ही इनमें से किसी एक पर कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरे मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव एक बार फिर नंबर 3 पर आकर धमाल मचाने को बेताब होंगे और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को एक और मौका मिल सकता है। पिछली दफा बदकिस्मती से श्रेयस अय्यर हिट विकेट होकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उनके पास भी टीम में अपनी जगह पक्की करने का सुनहरा मौका होगा। वहीं दीपक हुड्डा को इस मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या अपने से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेज सकते हैं। भले ही गेंद से हुड्डा ने कमाल किया है, लेकिन बल्ले से उनका फॉर्म अभी भी नदारद है, जिसकी वजह से भारतीय कप्तान दीपक हुड्डा को विकेट पर ज्यादा समय बिताने का मौका देना चाहेंगे। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या नंबर 6 की जिम्मेदारी निभाएंगे और वाशिंगटन सुंदर नंबर 7 पर आकर गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान देने का मादा रखते हैं। यानी बल्लेबाजी लाइनअप में कोई बदलाव होने के आसार कम नजर आते हैं, लेकिन गेंदबाजी में एक बदलाव किया जा सकता है, जहां पर अर्शदीप और भुवनेश्वर को आराम देकर उमरान मलिक को मौका देने का टीम मैनेजमेंट विचार कर सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अर्शदीप और भुवनेश्वर दोनों ही काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे में इनमें से किसी एक को आराम देने का फैसला गलत नहीं होगा। इसके अलावा युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज प्लेइंग 11 में बरकरार होंगे और आखिरी मुकाबले में भी अपने परफॉर्मेंस से टीम को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए और किसे बाहर बिठाना चाहिए, हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।